अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पी एस वीटा में रीट्रो आर्च कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर आप मल्टी आर्केड गेम्स कैसे प्ले कर सकते हैं। बहुत सी गेम्स हैं जैसे कि मेम की गेम्स हो गई, कैपकम की गेम्स हो गई, एस एन के, सीगा जेनेसिस, ये सब गेम्स आप रीट्रो आर्च पर प्ले कर सकते हैं। रीट्रो आर्च एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको इन तमाम गेम्स के प्लेटफॉर्म मुहैया करता है और आप उधर अपनी तमाम गेम्स प्ले कर सकते हैं। तो उन गेम्स को डाउनलोड प्ले करने के लिए सबसे पहले आपको रीट्रो आर्च को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाना होगा, वहाँ पर आपको रीट्रो आर्च की वेबसाइट को ओपन करना होगा। तो उसको करने के लिए मैंने अभी ये वेबसाइट ओपन की है, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह वर्क करती है, कौन सी वेबसाइट है। इसको अब हम ये वेबसाइट, ये इनकी वेबसाइट है, और इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पी एस वीटा का जेल ब्रेक होना लाजमी है। जेल ब्रेक के बगैर आप इसको प्ले नहीं कर सकते। ये इनकी वेबसाइट है। अब हम चलते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और मैं आपको बताता हूँ आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे रीट्रो आर्च। अब यहाँ पर हम डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे। हम इसे डाउनलोड करने वाले हैं पी एस वीटा के लिए। तो गाइस ये रही पी एस वीटा, जो लोग पी एस पी यूज़ करते हैं वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो प्ले स्टेशन 2, प्ले स्टेशन 3 या प्ले स्टेशन 4 और स्विच वगैरह यूज़ करते हैं तो वो उनके डाउनलोड सेक्शन में क्लिक करेंगे तो वो उनकी सिस्टम के अकॉर्डिंगली डाउनलोड हो जाएगी फाइल्स। तो मैं पी एस वीटा के लिए डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। अब ये फाइल्स हमारी डाउनलोड होने लग गई है। तो जैसे ये डाउनलोड होगी इसको हम अपने पी एस वीटा में ट्रांसफ़र करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस फाइल्स हमारे डाउनलोड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने पी एस वीटा को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। पी एस वीटा को कनेक्ट करने के लिए मैं पहले चूज़ कर लेता हूँ। सेलेक्ट पर क्लिक किया। अब मैं यू एस बी को अटैच करने लगा। हमारी पी एस वीटा कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको वी पी के फाइल को कॉपी करेंगे और वीटा में जाकर यहाँ पर सबसे पहले हम व्यू हिडन आइटम्स और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा गाइस मैंने कुछ गेम्स भी डाउनलोड करके रखी हुई हैं इसकी, तो मैं उनको भी पेस्ट कर लूँगा। देखिए ये सारी गेम्स मैंने डाउनलोड की थी। अब गेम्स आप कैसे डाउनलोड करेंगे, सिंपली आप गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे। ये देखिए बहुत सी वेबसाइट्स आ गई, इमयू पैराडाइज आ गई, अब यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए सारे प्लेटफॉर्म आ गए। अगर आप मेम के नाम गेम्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ फाइटर, सिंपली आप यहाँ पर आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपकी गेम्स है वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है गेम्स, तो मैं जस्ट इनको कॉपी करूँगा। नाम्स को मैंने किया कॉपी, वीटा में जाकर इनको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो गाइस ये कॉपी होने में थोड़ा टाइम लेगी, तब तक मैं आपको इसकी सॉल्यूशन कार्ड्स वगैरह बता देता हूँ। अभी कुछ फाइल्स अवेलेबल है तो मैं इनको स्किप कर देता हूँ।
गेम्स का वो काफ़ी हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने पीएस वीटा की स्क्रीन पर। मैंने फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर लिया है और मैंने जो गेम्स डाउनलोड की थी वो भी मैंने ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है और प्ले कैसे करना है अब हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे वीटा शेल पे, यहाँ पर आप जाएंगे यूएक्सओ के फोल्डर में, ये रही हमारी रेट्रो आर्च। इसको इंस्टॉल करेंगे कैसे, इंस्टॉल होने में 5 से 10 मिनट ले सकते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, तो इसकी इंस्टॉलेशन का वेट करना पड़ेगा आपको। इंस्टॉल हो रही है गाइस, ये थोड़ा टाइम लेगी। तो गाइस इसने इंस्टॉल होने में तकरीबन 3 से 5 मिनट लिया है, मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था और ये देख सकते हैं आप 99% इंस्टॉल हो चुकी है और ये इंस्टॉल हो गया गेम। अब हम ये टॉर्च इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो गाइस ये रहा रिटॉर्च, हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो गाइस ये ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका थीम वगैरह, आप इसमें आप थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी भी वीडियोस हैं। अब हम इसको पहले गेम जो हमें ट्रांसफर की थी उसको प्ले करके देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे लोड कंटेंट पे, इंपोर्ट कंटेंट, स्टार्ट को, नहीं गाइस इसे बैक करना पड़ेगा, ये हमने कुछ और फाइल इसके ओपन कर ली थी। इसको हम करेंगे लोड कंटेंट। अब हम जाएंगे यूएक्सओ के फोल्डर में जहाँ पर हमने गेम इंस्टॉल की थी, तो यहाँ पर अब हमने रॉम्स का फोल्डर जो हमने कॉपी किया था उसको ओपन करेंगे। ये हमारी तमाम गेम्स आ गई हैं, अब हम इसकी कोई गेम को ओपन करके देखते हैं। तो गाइस ये देखिए सीगा की गेम मैंने प्ले किया और ये सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो ये थी आज की वीडियो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।